हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एयरटेल के न्यू रिचार्ज प्लान के बारे में बताऊंगा। एयरटेल ने लॉन्च किया है 101 रुपये का जबरदस्त रिचार्ज प्लान, जिसमें आपको एक महीना तक अनलिमिटेड डाटा और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों, ये प्लान क्या है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस प्लान में क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इस प्लान के बारे में आप जानने के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी को दबा कर रखें। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, देखना जरूर करिएगा। एयरटेल ने लॉन्च किया 101 रुपये वाला जबरदस्त प्लान, एक महीना अनलिमिटेड डाटा कॉलिंग एयरटेल अनलिमिटेड प्लान। एक महीना तक अनलिमिटेड डाटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का सुविधा मिलेगा एयरटेल के 101 रुपये प्लान में। एयरटेल अनलिमिटेड प्लान, आजकल मोबाइल इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नए नए ऑफर लेकर आती रहती हैं। इस कड़ी में भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए 3 नए किफ़ायती रिचार्ज प्लान पेश किए हैं। आइए इन नए प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं। एयरटेल के 3 नए रिचार्ज प्लान एक नज़र में। एयरटेल ने हाल ही में 3 नए रिचार्ज प्लान को लॉन्च किया है, 51 रुपये, 101 रुपये और 151 रुपये। तो दोस्तों देख लीजिए, 1, 2, 3, 51, 101, 151, ये 3 प्लान हैं। इन तीनों प्लान की खास बात यह है कि आप इनमें ग्राहकों को 5G की स्पीड पर अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। तो दोस्तों, ये 3 रिचार्ज अगर आप करेंगे तो आपको अनलिमिटेड 5G डाटा दिया जाएगा। यानी अगर आप ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो यह प्लान आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। प्लान के साथ मिलने वाला डाटा, आइए अब हम देखते हैं इन तीनों प्लान में कितना मिल रहा है डाटा। 51 रुपये के प्लान में, इस प्लान में ग्राहकों को 3 GB का डाटा दिया जाएगा। 101 रुपये प्लान में, इस प्लान में ग्राहकों को 6 GB का डाटा मिलेगा। 151 रुपये का प्लान में, इस प्लान में ग्राहकों को 9 GB का डाटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इन प्लान में आपको 51 में 3 GB, 101 में 6 GB और 151 में 9 GB का डाटा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड 5G डाटा दिया जाएगा। यह डाटा ग्राहकों के मौजूदा प्लान के अतिरिक्त मिलेगा, यानी आप इसे अपने चालू प्लान के साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 5G का स्पीड का लाभ, एयरटेल के इन नए प्लान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें 5G की स्पीड मिलेगी। हालांकि कंपनी ने 4G डाटा के मौजूदा प्लान के साथ उपयोग की सुविधा, तो दोस्तों ये प्लान आपको 4G डाटा पे जो मिलेंगे 3 GB, 6 GB और 9 GB, उस पर काम करेंगे। बाकी आप, अगर आपके पास 5G नेटवर्क मिलेगा, आपका 5G फोन है, तब आपको अनलिमिटेड 5G डाटा दिया जाएगा। मौजूदा प्लान के साथ उपयोग की सुविधा, एयरटेल के नए डाटा पैक की एक और अच्छी बात यह है कि आप इन्हें अपने मौजूदा प्लान के साथ भी एक्टिव रख सकते हैं। यानी अगर आप कोई रेगुलर प्लान चल रहा है, उसे खत्म होने का इंतजार किए बिना आप इन पैक को खरीद सकते हैं और अतिरिक्त डाटा का लाभ उठा सकते हैं। किफ़ायती दरों पर 5G का आनंद, जैसे कि हम आप जानते होंगे, पिछले कुछ समय से लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद एयरटेल ने 4G और एक्टिव रख सकते हैं। यानी अगर आप कोई रेगुलर प्लान चल रहा है तो उसे खत्म होने का इंतजार किए बिना आप प्लान खरीद सकते हैं और अतिरिक्त डाटा का लाभ ले सकते हैं। किफ़ायती दरों पर 5G का आनंद, जैसे कि हम आप जानते होंगे, पिछले कुछ समय से लगभग सभी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद एयरटेल ने अपने प्लान में भी बढ़ोतरी की है, जैसे बहुत कम कीमतों में 5G जैसी स्पीड का आनंद ले सकते हैं। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो ज़्यादा महंगे प्लान नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी वह तेज इंटरनेट का लाभ लेना चाहते हैं। किन लोगों के लिए ये प्लान फायदेमंद? ये नए प्लान खासतौर पर निम्नलिखित लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। पहला, जो छात्र ऑनलाइन क्लासेस के लिए या पढ़ाई के लिए जरूरी जानकारी खोजने के लिए ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग, जिन्हें वीडियो कॉल्स या बड़ी फाइलें शेयर करने के लिए तेज इंटरनेट की जरूरत होती है। तीसरा, सोशल मीडिया के शौकीन, जो लगातार वीडियो देखते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। चौथा, गेमर्स, जिन्हें ऑनलाइन गेम खेलने के लिए तेज इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, वो लोग इस प्लान के साथ जा सकते हैं। अगर उनका फोन 5G है तो अनलिमिटेड प्लान 5G के साथ रिचार्ज करके जा सकते हैं। आप ये रिचार्ज कैसे कर सकते हैं? अगर आप भी एयरटेल के इन प्लान का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप इन तरीकों से रिचार्ज कर सकते हैं। पहला, एयरटेल थैंक्स ऐप से, एयरटेल की वेबसाइट से, किसी भी नज़दीकी एयरटेल स्टोर से, अधिकृत रिचार्ज दुकान से। मतलब आप जो भी एयरटेल या कहाँ जहाँ पर रिचार्ज होता है, एयरटेल के रिटेलर से भी रिचार्ज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद
भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं। याद रखने योग्य बातें, ये प्लान आपके मौजूदा प्लान के साथ काम करेंगे, इसलिए आपको अपने रेगुलर प्लान को बदलने की जरूरत नहीं है। इन प्लान में आप में मिलने वाला डाटा एक निश्चित समय के भीतर इस्तेमाल करना होगा, इसलिए रिचार्ज करते समय व्यवस्था की जाँच जरूर कर लें। अगर आपके पास 5G समर्थित फ़ोन है तो आप इन प्लान 5G नेटवर्क का पूरा लाभ उठा सकते हैं। एयरटेल के ये नए किफ़ायती रिचार्ज प्लान निश्चित रूप से ग्राहकों के लिए एक अच्छा विकल्प है कि कम कीमत में ज़्यादा डाटा और तेज स्पीड का कम्बिनेशन आज के डिजिटल युग में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप भी एयरटेल यूजर हैं तो ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो इन प्लान के बारे में ज़रूर सोचें। याद रखें, यह प्लान चुनकर आप न सिर्फ पैसे बचा सकते हैं बल्कि बेहतर इंटरनेट अनुभव का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। रूप में दे रही लेकिन अपनी स्पीड लगभग अनलिमिटेड 5G जैसी होगी। इसका मतलब है कि आप तेज गति से इंटरनेट का आनंद ले सकेंगे, चाहे वह वीडियो देखना हो या गेम खेलना या फिर कोई और फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो दोस्तों, ये था एयरटेल का ये 3 रिचार्ज प्लान जो आपको इस वीडियो में बताया गया। ये प्लान कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। एक बार और बता देता हूँ, 51 रुपये और 151, 3GB, 6GB, 9GB। तो ये प्लान दोस्तों ये हैं कि अगर आपके पास अनलिमिटेड कॉलिंग पैक या कोई और छोटा पैक रिचार्ज कर लिए हैं जिसमें 5G की सुविधा नहीं दी जाती है, तो उस प्लान के साथ इस प्लान को रिचार्ज करेंगे तो अनलिमिटेड 5G की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये प्लान के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करके रखें और घंटी को दबा के रखें। इसी के साथ धन्यवाद।